यह संविधान सभा गंभीरता पूर्वक और दृढ़ निश्चय के साथ हिंदुस्तान को स्वतंत्र गणराज्य और सर्वसत्ता संपन्न घोषित करती है और भविष्य में इसके प्रशासन के लिए संविधान तैयार करने की घोषणा करती है। संक्षेप में मेरे संशोधन का सुझाव है कि इस प्रस्ताव को पास करने का इरादा थोड़े समय के लिए टाल दिया जाए ताकि मुस्लिम लीग और हिंदुस्तानी रियासतें भी अगर वो चाहे तो इस सभागृह की कार्यवाही में हिस्सा ले सके। अब मैं डॉक्टर अंबेडकर से अपने विचार रखने का आग्रह करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हार्दिक आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं जानता हूं कि आज हमारे बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर फूट है। हम में काफी वैचारिक संघर्ष भी है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि मैं खुद भी ऐसे ही एक वर्ग का नेता हूं। लेकिन महोदय, इसके बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से नहीं रोक सकती। हालांकि मुस्लिम लीग इस बात पर जोर दे रही है कि हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन एक दिन उनको यह बात जरूर समझ में आएगी कि हिंदुस्तान का बंटवारा उनके हित में नहीं बल्कि अखंड भारत उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो मिस्टर जिन्हा, पाकिस्तान के मसले पर आपकी राय नहीं बदली। देखिए डॉक्टर आम्बेडकर, आपकी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में आपने खुद लिखा है कि हिंदू सोचते हैं कि पाकिस्तान मुसलमानों का ख्वाब है, लेकिन मुसलमान जानते हैं कि पाकिस्तान एक हकीकत है। नहीं मिस्टर जिन्ना, मैं ये दो राष्ट्रों वाली बातों के खिलाफ हूँ। हमें इस देश में रहकर ही अल्पसंख्यकों के हितों के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन अब वो हालात नहीं रहे, अब पाकिस्तान एक सच्चाई है। छुआछूत किसी भी रूप में हो खत्म कर दी गई है। इस कानून के पालन में असमर्थता दिखाना अपराध माना जाएगा।